मेंस एशिया कप जब होगा तब होगा, लेकिन आपको बता दूं कि भारत की इमर्जिंग विमेंस प्लेयर ने एसीसी इमर्जिंग विमेंस टीम्स एशिया कप का खिताब जीत लिया है। यह चैंपियन बन गई है भारत की ए टीम। फाइनल में उसने किस टीम को पराजित किया और कैसे पराजित किया आज बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। इमर्जिंग विमेंस एसीसी एशिया कप का आयोजन किया गया हांगकांग में हुआ, हालांकि वर्षा से प्रभावित रहा ये पूरा टूर्नामेंट, आधा से ज्यादा मैचेस नहीं खेले जा सके। इनफैक्ट अगर कहूं तो 17 जो मैच होने थे उसमें से 6 ही खेले जा सके, लेकिन भारत की जो ए टीम है और बांग्लादेश की जो ए टीम है, ये दोनों टीमें जो है वो फाइनल में पहुंचती हैं। भारत ने जो इस अपने अभियान की जो शुरुआत की थी उसने मेजबान हांगकांग को पराजित किया था, लेकिन उसके बाद भारत के सारे मैच धुल गए, चाहे वो नेपाल से मुकाबला हो या पाकिस्तान से मुकाबला हो, वो दोनों मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। यहां तक कि सेमीफाइनल भी जो श्रीलंका से होना था वो भी नहीं खेला जा सका, लेकिन चूंकि भारत की जीत बड़ी थी तो उसे फाइनल में जगह मिल गई। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को पराजित किया और फाइनल में जगह बनाई। तो भारत और बांग्लादेश की महिला ए टीमों के बीच जो है ये इमर्जिंग एशिया कप वुमेन्स टीम का जो है फाइनल मुकाबला खेला गया। यहां पर टॉस भारतीय कप्तान ने जीता, श्वेता सहरावत भारत की कप्तान थी और भारत ने एक अच्छी शुरुआत की, छोटी लेकिन अच्छी शुरुआत थी, 28 रनों की शुरुआत थी, लेकिन यहां पर श्वेता सहरावत जो कि भारतीय टीम की कप्तान है वो आउट होती हैं और इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहते हैं। लेकिन यहां पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी वृंदा दिनेश और कनिका आहूजा की, दोनों ने तेज गति से रन बनाए। जहां तक वृंदा की बात है उन्होंने 29 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली, जबकि कनिका ने 23 गेंदों पर 30 रन बनाए और इन दोनों की पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 127 रनों का स्कोर खड़ा किया, मतलब बांग्लादेश की ए टीम को जीतने के लिए 128 रनों की दरकार थी। लेकिन जो भारतीय गर्ल्स थी उनके इरादे कुछ और थे और उन्होंने जो है शुरुआत से ही बांग्लादेश ए की जो इमर्जिंग टीम थी उस पर जो है वो दबाव बना दिया। और यहां पर तारीफ बनती है, पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी गेंदबाजी की है श्रेयंका पाटिल ने, उन्होंने एक बार फिर से 4 विकेट लिए। अगर उनकी हम बात करें और उनके बॉलिंग एनालिसिस की हम बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट लिए, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका ने किस तरह की गेंदबाजी की। उनकी घूमती गेंदों का जवाब जो है वो बांग्लादेश की बैटर्स के पास नहीं था। इसके अलावा मन्नत कश्यप ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए और कनिका जिन्होंने की बैटिंग में एक अच्छी पारी खेली थी 30 रनों की, उन्होंने गेंदबाजी में भी जो है आपको 2 विकेट लिए। तो ये हाल रहा और उसके बाद बांग्लादेश की टीम तमाम कोशिशों के बाद भी जो है लक्ष्य से 31 रन पीछे रह गई और भारत ने फाइनल मुकाबला 31 रनों से जीत लिया। बांग्लादेश की टीम 20वें ओवर में 96 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो भारत के लिए बड़ी जीत, और बड़ी जीत इसलिए क्योंकि ये पहला एसीसी विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप था, तो ये पहला ही एडिशन था, इनॉगरल था और इसमें भारत की जो इमर्जिंग महिला टीम है वो चैंपियन बनी, भारत ए जो है वो चैंपियन बना इसका। और अगर हम आपको इस टूर्नामेंट की और बात करें तो श्रेयंका पाटिल ने जो 2 मैच खेले उसमें 9 विकेट लिए, हांगकांग के खिलाफ 5 विकेट लिए थे और फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट लिए, तो जो 9 विकेट उन्होंने लिए तो उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो कनिका आहूजा बनी जिन्होंने की 30 रन भी बनाए और तेजी से बनाए और 2 विकेट भी लिए। तो जो भारत की ए टीम है श्वेता सहरावत के नेतृत्व वाली जिन्होंने की ये इमर्जिंग एशिया कप विमेंस का जीता है उन्हें ढेरों बधाई, और हम उम्मीद करते हैं किसी तरह से जो भारत की उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, आपने देखा होगा कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी भारत ने ही जीता था विमेंस का, तो इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जो महिला क्रिकेट में जो उभरती हुई खिलाड़ी हैं वो जल्द ही
भी सीनियर टीम में अपना स्थान बनाएंगे और वहां पर भी भारतीय टीम को जिताने का काम करेंगे। एक बार फिर से भारत की ए टीम को एसीसी वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप जीतने पर ढेरों बधाई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।